स्पेस वाइज तो यार करेन अभी तक कहाँ छुपी हुई थी भाई, आदमी भी लुटा के लेके जा सकते हो बड़े प्यार से, आदमी ना पूरा का पूरा लौट जाता है। फ्लैट बेड होना ना गाड़ी में बहुत ही एक अच्छा फीचर है भाई। हेलो भाई, मैं हूं पवार भाई। अगर अभी तक भी एर्टिगा के पीछे पड़े हुए हो ना भाई, एर्टिगा तो एक बार किया के शोरूम में आ जाना और जरा इस गाड़ी को देख लेना भाई। 7 सीटर अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, भूल जाओगे भाई एर्टिगा वगैरह भी कुछ होती है। ये कैरेंस निकाले भाई कंपनी ने और इसका अभी 5 साल किया के पूरे हुए हैं भाई इंडिया में। तो उन्होंने ना हर एक अपनी गाड़ी के सेल्टोस हो, सोनेट हो या फिर कैरेंस ही क्यों ना हो, इनकी 3 ही गाड़ियां मोस्टली भाई बिकती है, तो उस सबका ना ग्रेविटी एडिशन निकाल दिया है। क्या कैरेंस का ग्रेविटी एडिशन भाई 12,10,000 रुपए से एक्स शोरूम स्टार्ट हो रहा है। 13-13.5 तक आपको ऑन रोड मिल जाएगा ये प्रॉपर 7 सीटर, सनरूफ से लेकर लेदर की सीट से लेकर डैश कैम से लेकर बहुत सारी चीजें इन्होंने डाल दी हैं भाई। 13-13.5 लाख रुपए ऑन रोड में, मैं कहता हूँ कोई बुराई ही नहीं है भाई इसको लेने में। देखते रहो भाई एंड तक देना, कोई कमाल फीचर्स दिए। यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट मिलेगी सिंपल, ये अपना आराम से भाई एलईडी वेलईडी लगवाते रहना। यहाँ पे अपने को DRL देखने को मिलती है, ये कुछ इस तरीके की भाई। यहाँ पे अपने को मिलता है इसका बंपर वगैरह और ग्रिल, आप देखोगे एकदम ऐसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसी इसकी कैरेंस की भाई नजर आती है। साइड से बात करोगे तो यहाँ पे भाई 205/65/16 के आपको मिलते हैं भाई स्टील रिम्स। ये अलॉय व्हील्स नहीं है, इसके ऊपर व्हील कैप लगा रखा है और ये ऐसे है भाई, इनको कोई चोरी करके नहीं लेके जा सकता क्योंकि ये नेट के नीचे कवर्ड रहते हैं। यहाँ पे दोनों साइड आपको डोर्स पे ग्रेविटी एडिशन की आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी। जो मिरर्स हैं ये अपने को मैनुअली ही एडजस्ट करने पड़ते हैं। यहाँ पे बॉडी कार्ड में अपने को मिलते हैं इसके अंदर डोर हैंडल्स और गाड़ी की आप साइड से लुक देखो भाई, काफी बड़ी एक 7 सीटर है तो आपको भाई काफी लंबी गाड़ी देखने को मिल जाती है। व्हाइट, एक व्हाइट वगैरह कलर में ना बहुत प्यारी जमती भी है। यहाँ से आप भरवा सकते हो भाई इसके अंदर डीजल पेट्रोल दोनों के अंदर ये अवेलेबल है। आप डीजल लेना चाहते हो, पेट्रोल लेना चाहते हो, पेट्रोल में IMD लेना चाहते हो, सारे ऑप्शन यहाँ पे ग्रेविटी एडिशन के इसके अंदर आए हैं। यहाँ पे साइड पीछे बात करोगे तो यहाँ पे भी भाई पेट्रोल के अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, ऑल फोर डिस्क ब्रेक आती हैं। पीछे ग्रेविटी एडिशन में बात करते हो तो यहाँ पे अपने को मिलते हैं भाई इसके हैलोजन, इसके अंदर लाइट आ रही है, LED नहीं है, यहाँ पे इंडिकेटर आएगा, बाकी रिफ्लेक्टर वगैरह ऐसे आ रहे हैं। और ओवरऑल पीछे सब लुक की बात करते हो तो यहाँ पे किया की बेजिंग है, करेंस लिखा गया है, बाकी कनेक्टिंग अपने को देखने को नहीं मिलती भाई, क्योंकि ये जो ग्रेविटी एडिशन है ना ये मिड वेरिएंट एक तरीके से, इनका बेस आता है प्रीमियम, उसके ऊपर प्रीमियम से ऊपर जाते तो प्रीमियम ऑप्शनल आता है और प्रीमियम ऑप्शनल के आगे अगर कोई वेरिएंट आता है तो उसका नाम है भाई साहब ग्रेविटी एडिशन। तो एक तरीके से बीच वाला वेरिएंट है। ग्रेविटी के ऊपर जाओगे तो फिर तो और दुनिया भर के वेरिएंट आते हैं, वहाँ पे अलॉय वगैरह सब कुछ ऐड हो जाते हैं, जैसे भाई आपका ये प्रेस्टीज हो गया फिर लग्जरी हो गया, लेकिन ये वाला भाई साहब अगर किसी को प्रैक्टिकल कोई ऑप्शन चाहिए ना अब निकाल दे, मेरे ख्याल से अब इससे अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं है। आपको स्पॉइलर भी देखने को मिल जाता है और ओवरऑल साइड से लुक वगैरह एकदम मस्त है। मेन भाई गाड़ी का मजा इंटीरियर से, ये देखो सबसे पहले डोर्स भाई 12 लाख रुपए गाड़ी में डोर आपको इस तरीके मिल रहा है। यहाँ पे चारों पावर विंडो, लॉक एंड लॉक का बटन है और यहाँ पे आप भाई फिनिशिंग देखो, एर्टिगा कहाँ पे स्टैंड करती है और ये कहाँ पे स्टैंड करती है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच दिया है इधर भी, यहाँ पे अपने को अम्ब्रेला होल्डर भी मिल रहा है, यहाँ पे अपना कुछ बोतल वगैरह आप रख सकते हो। स्पीकर आपको मिल जाते हैं 4 स्पीकर, 2 ट्वीटर, अगर ये आपको ORM एडजस्ट करने तो कोई डंडी बंडी नहीं है, आपको इनको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। सीट की आप बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल तो आपको ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, लेकिन आप ड्राइवर सीट को मैनुअली अपने हिसाब से ऐसे ऊपर की तरफ हाइट एडजस्ट कर सकते हो इसकी। बस सीट में यही नहीं, एक और चीज पे आप ध्यान दो भाई, लेदर की सीट्स अब आपको देखने को मिलती हैं। जी भाई, इनको फॉक्स लेदर करके किया बुला रहा है और आपको पता होगा जो लेदर की सीट्स कंपनी से आती है ना भाई उनकी होड़ आफ्टर मार्केट कोई कर ही नहीं पाता है। क्वालिटी तो देखो भाई कितनी प्रीमियम, ऐसा ओवरऑल इंटीरियर है ग्रेविटी एडिशन में। की बात करोगे तो इस तरीके की किया वगैरह की बैजिंग आती है भाई, चाबी पे लॉक का बटन, अनलॉक का बटन होल्ड करके भाई बूट अनलॉक हो जाता है और यहाँ से हम अपनी जो की है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अबे चालू हो जाएगी। आपको मीटर सेम ऐसा ही मिलता है जैसा सेल्टोस के बेस मॉडल में हमने देख रखा है या फिर भाई आजकल वरना वेन्यू सब में ये ही वाला अपने को MID मीटर देखने को मिलता है भाई। ये स्टार्टिंग ही मेन तो करेंस ने करी थी इस गाड़ी को, अगर अपने को स्टार्ट करना है क्लच दबाइए गाड़ी अपनी स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली तो डीजल है भाई, हम तो इंजन के साउंड ही बता देते हैं, बाकी RPM देखो भाई बहुत तरह खिंच जाता है। इसके अंदर रेंज वेंज सब कुछ यहाँ पे बताता है। शिपिंग मोड को हटाता हूँ, ओके दबा के रखता हूँ। शिपिंग मोड भाई जब गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन में होती है तब दिखाता है, तो बाकी फीचर्स नहीं आते और गाड़ी मात्र 19 किलोमीटर चली हुई होती है जब आप ब्रांड न्यू कोई भी गाड़ी लेते हो। स्टेयरिंग कंट्रोल दे दिए ग्रेविटी एडिशन में, ठीक है जी। यहाँ पे MID के कंट्रोल हो गए, लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील मिल रहा है, फ्लैट बॉटम, करेंस की यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल रही है, ये लाइट्स के कंट्रोल, ये वाइपर के कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पे है, ये ऑटो ऑन ऑफ का फंक्शन है और डुअल टोन कलर में आपको देखने को मिलती है भाई गाड़ी ब्लैक और यहाँ पे थोड़ा सा आपको बीज कलर का इंटीरियर कॉम्बिनेशन मिलेगा। स्पीकर वगैरह यहाँ पे नहीं है, केवल ये नकली ऐसा जाली लगा रखी है।
आपको स्टीरियो मिल रहा है भाई ग्रेविटी एडिशन में, जहाँ पे आप वायरलेसली एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो भी चला सकते हो, कैमरा भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब पार्क रहेगा तब नहीं दिखाता ये। यहाँ पे डीआरएम पे अब मैं आपको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए कैमरा भी गाड़ी के अंदर आएगा ग्रेविटी एडिशन के अंदर। बाकी ये चीज आपको और लग रही होगी ना भाई, एक्चुअली ये ना इसके अंदर पियानो ब्लैक फिनिश होती है, ये ऐसा कोई डिजाइन नहीं है, एक तरीके से सफेद सफेद सी पूरी पन्नी सी है। ये आप जब गाड़ी लेते हो तो इसको उछाल सकते हो, ये इसलिए कंपनी सेफ्टी के लिए देती है, कभी इन ट्रांजिट में भाई स्क्रैच वगैरह लग जाए तो ये देखिए इस तरीके से उछाल नहीं होती है। एंड्रॉइड ऑटो वगैरह वायरलेस ही चला सकते हो, इनके टॉप मॉडल्स में भी वो चीज नहीं चलती, और इनको भाई कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे नॉब वगैरह भी दे रखी है कंपनी ने। यहाँ पे इसके एसी के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, एसी वाले बटन को दबाते भाई एसी चल जाएगा। यहाँ पे अपने को टेम्परेचर कंट्रोल का है और यहाँ पे अपने को हवा खांसी वो है। इनका डिजाइन आप देखोगे इस इवेंट्स का तो ऐसे इंटीग्रेटेड सा मस्त मस्त सा लगता है भाई। यहाँ पे अपने को हजार लाइट ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, यूएसबी पोर्ट, टाइप सी पोर्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल रहा है, आप अपने कुछ फोन वगैरह आप रख सकते हो। 6 गियर मिलेंगे आपको डीजल में भी पेट्रोल में भी भाई साहब, रिवर्स कैमरा, रिवर्स गियर लगाती है, अपना कैमरा जो है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, इस तरीके से आपको उठा के रिवर्स गियर कैरेंस में लगाना पड़ता है। एटिका में जब भी 5 गियर आते हैं भाई, 1.5 लीटर का उसके अंदर आता है पेट्रोल इंजन केवल। हैंड ब्रेक आती है भाई यहाँ पे, 2 कप होल्डर्स आते हैं। ये आर्मरेस्ट की आप बात करोगे तो यहाँ पे भाई अपने को देख लो कितना फैंसी सा ये देखने मिलता है, काफी डीप। यहाँ पे आप बात करते हो ग्लव बॉक्स की तो इस तरीके का ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा भाई, ये भी काफी बड़ा है, अपना काफी सामान इसके अंदर आ जाएगा। डोर का डिजाइन देखो कितना तगड़ा दे रखा है। मेन सबसे अट्रैक्टिव चीज भाई आपको सनरूफ ग्रेविटी एडिशन से यहाँ पे दे दिया है, खोलनी है तो आप ऐसे खोल सकते हो। सीट बेल्ट किस किसने नहीं लगा रखी वो सबका यहाँ पे बताएगा भाई इसकी सीट बेल्ट नहीं लग रही है। यहाँ पे वाइट लाइट दे दिए भाई इसके अंदर, सनग्लास होल्डर दे दिया है क्रेंस वाले भाइयों के लिए भी। वैनिटी में जाओगे तो यहाँ पे मिरर नहीं है लेकिन यहाँ पे जरूर मिरर। बाकी एक और चीज भाई जो स्पेशली ग्रेविटी एडिशन में आया है, डैश कैम भी आपको देखने को मिल रहा है भाई, आगे क्या चल रहा है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए हमेशा आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, जस्ट केवल यहाँ पे अपना माइक्रो एसडी कार्ड डाल लेना। सनरूफ खुली रहेगी भाई, सनरूफ का भी यहाँ पे बताता है। इसके अलावा भाई क्रेंस का दरवाजा इतना लंबा आता है ना भाई, ये देखो मैं ब्लांदों से गिनवाता हूँ, 1, 2, 3, 4 भाई इतना बड़ा दरवाजा आता है ना, क्योंकि इसका रियर डोर बहुत बड़ा है। सेम गोज भी इसका ये वाला जो ग्लास है ना, और यहाँ पे देखिए भाई इस तरीके का कर्टेन भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे, अंदर का किसी को दिख ना जाए गलती से भी, तो दोनों साइड यहाँ पे दे रही है क्रेंस के अंदर भी। तो इनका इस वाली गाड़ी का ना पर्टिकुलरली डोर बहुत पसंद है, मतलब इनका डिजाइन देखोगे यहाँ पे भी सॉफ्ट टच दे रखा है। अम्ब्रेला होल्डर पीछे आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे बोतल वोल्डर रख लो, स्पीकर यहाँ पे पीछे भी दे रखा है। सीट्स की आप बात करते हो तो ये देखिए भाई आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स देखने को मिल जाती है। अगर आपको लिटानी है तो यहाँ पे भाई ये देखिए ये वाला ऑप्शन दे रखा है, इसको आगे की तरफ करिए और ये ऐसे लेट गया है, फिर आप आराम से पीछे जा सकते हो। पीछे जाते ही भाई आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे स्पेस वगैरह आपको प्रॉपर 7 सीटर मिल जाता है, इस तरीके से भाई बैठ चुके हैं, 6 फीट इनके लगभग हाइट होगी। पीछे तक ही ना इसके अंदर लेदर की सीट्स दे रखी है, इनको फोन वोन अपना चार्ज करना होगा तो टाइप सी पोर्ट यहाँ पे दे दिया है, कप होल्डर यहाँ पे है, ऊपर की तरफ एसी वेंट्स भी यहाँ पे प्रॉपर दे दिए हैं भाई, और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट भी अपने को देखने को मिलता है कप होल्डर से इसके। और भाई ऐसे इसको ऑन करेंगे ना तो भाई ये देखो स्पेस कंफर्टेबल है भाई, बिल्कुल पैर का भाई भाई बहुत तगड़ा है यार ये, तो स्पेस वगैरह आपको हर चीज मिल जाती है, व्हाइट लाइट मिल रही है यहाँ पे। अगर मान लो मेरे को बुक बुक पढ़नी है, मेरे को घना बड़ा पढ़े लाऊं तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। बाकी यहाँ पे ग्लास व्लास भी प्रॉपर दे रखा है, यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा स्पेस है यार, और भी आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे बैठ के फैल के जा सकते हैं। आई कांट बिलीव यार इतना स्पेस करें इसमें। देखो हम तो यहाँ पे पीछे कंफर्टेबली बैठे ही हैं, आगे भी देख लो भाई बंदे के पास बहुत स्पेस रहता है। एक बार फुल पीछे करना भाई, ये भाई जब फुल पीछे हो जाती है तो थोड़े पैर आपके लगने लग जाते हैं, लेकिन इनको स्लाइड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। देखो आप स्लाइड कर सकते हो आराम से दोनों की दोनों सीट्स को, और अभी भी स्पेस इनके पास बच रहा है और पीछे ही बच रहा है। पीछे तो बहुत है, स्पेस वाइज तो यार करेंस अभी तक कहाँ छुपी हुई थी भाई, बहुत तगड़ा स्पेस है। एसी वेंट्स तो यार स्कॉर्पियो एन तक में नहीं आते, ये गाड़ी अंडररेटेड है भाई बहुत ज्यादा, मैं बता रहा हूँ ना। और भाई जैसे मान लो हमारे पास कोई और नहीं है अभी खोलने के लिए, सब अपना मतलब लोग पहले भाग गए, तो भाई अगर हमको उतरना है तो यहाँ पे हैंडल दे रखा है, इसको मैं प्रेस करूंगा तो दोनों सीट्स हम इधर से भी एंटर कर सकते हैं, इधर से भी एंटर कर सकते हैं, जिस मर्जी सीट से हम चाहे तो यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। इस तरीके से जस्ट अपने को एग्जिट लेना, और पूरा एकदम बढ़िया वाला सिस्टम है। देखो आराम से अंदर बाहर आदमी जा सकता है, उस वाले डोर से भी, इस वाले डोर से भी, और पीछे भी लेदर है। आगे की सीट्स की भी आप बात करते हो तो यहाँ पे भी आपको लेदर की सीट्स ही देखने को मिलेंगी, और भाई सेंटर में भी बात करते हो तो कोई आपको बम्प हम्प जो व्हाटएवर जो भी है ये कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट आपको फ्लैट सा ही ये देखने को मिलता है। यहाँ पे ऐसी वेंट आते हैं भाई इसके पीछे वाले एडजस्ट करने के लिए, 2-3-4 नंबर, 2 टाइप सी पोर्ट दे रखे हैं पीछे, यहाँ पे अपने कुछ फोन वगैरह आप रख सकते हो। बाकी एसी वेंट्स भाई पीछे की तरफ भी है, यहाँ पे अपने को व्हाइट लाइट इसके अंदर देखने को मिलती है, ओवरऑल इंटीरियर
आप देखोगे ऐसा है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं पीछे तक भी। जब आपकी सीट्स एक्टिव रहेंगी ना पीछे वाली, तो आपके पास 216 लीटर के लगभग बूट स्पेस रहता है भाई। और स्पेयर टायर आपको यहाँ पे नीचे एक साइड यहाँ पे मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि स्पेयर टायर नहीं दिया भाई कंपनी ने। और जो सीट्स है ना, अगर आपको भाई मतलब बंदे नहीं है आपके पास, आपको लगेज ज्यादा लेके जाना है, तो ये सीट्स ना एकदम पूरी फ्लैट हो जाती है, इस तरीके से पूरी लौट गई है भाई। इसके अंदर अब आराम से भाई आप आदमी भी लुटा के लेके जा सकते हो, बड़े प्यार से आदमी ना पूरा का पूरा लौट जाता है। ये देखो, पालती पालती मार के बैठा हो या फिर अगर लेट ना हो तो वो भी कर सकता है। फ्लैट बेड होना ना गाड़ी में बहुत ही एक अच्छा फीचर है भाई। और ये देखो इसकी हाइट भी भाई अच्छी लंबा चौड़ा है। इसके पापा के जींस बहुत अच्छे थे हाइट वाले, तो भाई देख लो पूरा का। और इसके अंदर भाई दो इंजन ऑप्शन अपने को देखने को मिल जाता है, डीजल भी पेट्रोल भी। डीजल में भाई इनका इंजन बहुत तगड़ा है, जो सेल्टोस सोनेट क्रेटा सब में आता है ना, वही वाला CRDI डीजल इंजन देते हैं 1.5 लीटर का, 115 बीएचपी के साथ 250 एनएम का टॉर्क निकालता है भाई। ये भाई आराम से निकालने वाले हैं डीजल में, इसमें 25-25 तक की माइलेज निकालते हैं। लेकिन अगर आप पेट्रोल के शौकीन हो तो 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन से गाड़ी भाई साहब आपके 115 बीएचपी के साथ 144 एनएम का टॉर्क निकाल देती है। सेम वही इंजन है सेल्टोस क्रेटा सोनेट, वही वाला, सॉरी सोनेट में तो 1.2 लीटर का पेट्रोल आता है। एर्टिगा से कंपेयर करते हो ना तो उसके अंदर भी 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, बट उसके अंदर 104 बीएचपी केवल देखने को मिलती है, इसके अंदर 115 बीएचपी, उससे ज्यादा पावर भी अगर पेट्रोल में देखते हो तो। लेकिन डीजल में प्लस पॉइंट चला जाता है इस गाड़ी के पास, क्योंकि एर्टिगा तो भाई आपकी डीजल में आती ही नहीं। और भाई ग्रेविटी एडिशन के अगर डीजल वेरिएंट की बात करते हो तो उसमें केवल मैनुअल में आती है, उसका प्राइस आपको 14 लाख रुपए एक शोरूम पड़ता है, ऑन रोड आते आते हरियाणा में 16.5 लाख रुपए की वो वाली गाड़ी पड़ती है। लेकिन पेट्रोल इसका कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी है मेरे ख्याल से, तो भाई डीजल ही मस्त है, एक बार लेके ना फांस काट दो और इतनी अच्छी माइलेज, पूरा परिवार मस्त अपना कंफर्टेबली ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा सकता है। बाकी सेफ्टी वाइज भाई 4 एयरबैग आपको कंपनी में स्टैंडर्ड मिलते हैं, यहाँ पे भी है बी पिलर पे, यहाँ पे आपको स्टेयरिंग पे भी मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ABS EBD हिल डिसेंट कंट्रोल, यहाँ पे ट्रैक्शन ऑटो ऑन ऑफ सब कुछ तो दे रखा है। प्लस सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर आपको डैश कैम भी दे दिया, और क्या लोगे भाई। तो कैसी लगी आपको क्या करें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।